सो चलिए गाइस, अब हमारा जो टॉपिक है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ, ध्यान से इसको चेक करेगा, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। मैं लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से आपको CO2 रिमूवल करना होता है। अब ये काम आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो ये काम आप सोडा लाइम से कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से इसको चेक करिएगा, सोडा लाइम से कर सकते हो। इससे मैं करके दिखाऊंगा, ध्यान से इसको चेक करिए। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO के कॉम्बिनेशन को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। और दूसरा है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, दोनों से आप डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। तो हम एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। सो ये दोनों आपने 11th में पढ़े थे, इनफैक्ट फर्स्ट वाला तो बहुत ही ईजी है, चेक करिए। सपोज कीजिए कि आपने, मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट पकड़ना है आपको, क्लियर हो गया। तो सपोज करो कि हमने यहां पर CH3, ठीक है, उसके बाद COONA लिया। आप इसको तैयार कैसे भी कर सकते हो, CH3COOH का रिएक्शन कराओ NaOH से, तो CH3COONA मिल जाएगा, सोडियम एसिटेट बोलते हैं, ये तो आता है ना आपको, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आपने अगर CH3COOH जो कि एक एसिड होता है उसका बेस से रिएक्शन कराइए NaOH, तो आपको कन्फर्म यहाँ से क्या मिलेगा, CH3COONA। बस इसी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, प्लस साथ में वाटर, बस ये चेक करना है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, अब इसको इस्तेमाल करना है। अब इसका रिएक्शन आपको किससे कराना है, सोडा लाइम से। तो देखिए बहुत ही सिस्टमैटिक है, NaOH और प्लस यहां पर CaO, क्लियर हो गया सब लोगों को, इसको सोडा लाइम कहते हैं। सो अगर आपने इसका रिएक्शन कराया साथ में थोड़ी बहुत हीटिंग करी, तो यहां से क्या होगा, यहां से देखिए Na2CO3 बाहर निकलेगा, चेक करो कितना आसान है, NaOH लिखा, Na2CO3 बाहर निकल गया, और ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो इसको मिल गया, तो फाइनली यहां से क्या बन रहा है आपके पास, CH4 प्लस Na2CO3, ये आपको मिल गया, CO एज इट इज आपको बाहर मिल जाएगा, ये एज ए कैटलिस्ट यहां पर डाला गया है। तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है, उस पर गौर करिए, आपने यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया उससे एक कार्बन कम वाला आपको एल्केन मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी कार्बोक्सिलेशन से आपको एल्केन मिलता है और एक कार्बन कम वाला। तो यहां पर दो कार्बन थे तो एक कार्बन कम कर दिया तो एक यानी कि मिथेन मिलेगा, क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो सोडा लाइम वाला आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन है उसमें जो भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उससे एक कार्बन कम वाला मिलेगा, ये कंफर्म हो गया यहां से, सबको क्लियर है। सो बहुत ही आसान है, ध्यान से इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। चलिए अब ये तो बहुत ही आसान था, अब कोलबेज प्रोसेस को चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को चेक करना जरूरी है। सेकेंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं बच्चों, सबको पता है कि इसके लिए आपको एक कंटेनर चाहिए, उसमें आपको क्या चाहिए, एक कैथोड, एक एनोड, ये तो जानते हो ना। तो चलो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो एनोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो कैथोड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, कुछ ऐसा काम आपको करना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भरना है। तो देखिए यहां पर क्या क्या मौजूद है, यहां पर इसके अंदर CH3COONA ये मौजूद है प्लस वाटर, तो यहां पर दो चीजें मौजूद हैं। तो अगर मैं कहूं यहां पर आयन बताइए कौन कौन से हैं, एक तो है CH3COOH और एक है यहां पर Na+, उसके बाद यहां पर H+ एंड OH- क्योंकि वाटर भी है, ये चार आयन प्रेजेंट है। अब आप सोचिए ये हमारे लिए एनोड है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये हमारे लिए कैथोड है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, क्लियर हो गया सब लोगों को। अब आप खुद से सोचिए, यहां पर पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आयन जाएंगे, मतलब CH3COOH इसकी तरफ जाएगा, क्लियर हो गया। इस केस में OH- का कुछ नहीं होगा क्योंकि OH- का यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है यहां पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है बेसिकली, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस केस में CH3COOH जाके क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग एनोड की बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा CH3COOH का, क्लियर हो गया सब लोगों को, CH3COOH का यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, वो भी दो यूनिट्स का होगा। तो यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो क्योंकि दो यूनिट का हो रहा है तो यहां पर C2H6 मिलेगा एक तो, और साथ में CO2 गैस यहां से बाहर निकलेगी,
क्लियर हो गया। C2H6 देखिए CH3 की दो यूनिट जुड़ गई, C2H6 मिला और CO2 गैस बाहर निकली, यहां पर मैं दो लगा देता हूं। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब ये कैसे होता है उसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं। तो बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन के केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां पर रिलीज करेगा, एनोड पे होता है याद रखिए हमेशा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो जानते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये करके दिखाऊंगा आपको कि यहां पर C2H6 कैसे बन गया। तो यहां पर ये दो यूनिट कंबाइन कर गई, C2H6 बन गया और साथ में CO2 गैस बाहर निकली। कैथोड पे अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जरा चेक करिएगा कैथोड, ये है कैथोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां से H+ जाएगा इस तरफ। क्लियर हो गया, सोडियम का यहां पर कुछ नहीं होगा, Na+ का यहां पर रिडक्शन नहीं हो सकता, याद रखिए कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्लियर हो गया, सो रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आसानी से जो H+ है कितने, दो, ये क्या करेंगे दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस के अंदर, और ये गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो गया, ये एनोड ये कैथोड दोनों की रिएक्शन लिख दी। अब यहां पर सिस्टम में क्या क्या बच गया, एक Na+ और एक OH- दिखाई दे रहा है, तो आपको सोल्यूशन के अंदर क्या मिलेगा, NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन में NaOH की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर ये कैसे होता है उसके प्रोसेस को मैं यहां पर लिख देता हूं, इसकी मैकेनिज्म को, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोलबेस प्रोसेस में जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एनोड पे आपको इसके जस्ट दो कार्बन, जरा चेक करेगा ये दोनों यूनिट कंबाइन हो जाती है, CH3 मतलब C2H6 मिलेगा, साथ में दो यूनिट आपको क्या मिलने वाले हैं CO2 की, और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और हमेशा सॉल्यूशन के अंदर आपको NaOH मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके मैकेनिज्म को चेक करते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान से देखो हो क्या रहा है। ऊपर वाला रिएक्शन तो कुछ था ही नहीं, आप ऊपर वाले रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो ये फर्स्ट मेथड में तो बहुत ईजी था, चेक करो फर्स्ट मेथड जो था वो तो बहुत ही आसान था, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, यहाँ पर सोडा लाइम लेना था और यहाँ से सीधे Na2CO3 बाहर निकालना था, तो यहाँ पर एक कार्बन कम वाला एल्केन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जरा चेक करो, आपने CH3COOH लिया तो यहाँ पर दो कार्बन का लिया था तो आपको दो कार्बन का ही मिल रहा है। क्लियर हो गया, और इस मेथड से आप मीथेन कभी नहीं बना पाओगे, यू कैन नॉट, आप लिख लो कोलबे मेथड से आप मीथेन, ठीक है, कैन नॉट फॉर्म, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, मीथेन कभी भी यहां से फॉर्म नहीं होती है। अब यहां पर इसके मैकेनिज्म को हम लोग चेक करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए एनोड पे आपको दो प्रोडक्ट, एक तो इथेन और CO2, और कैथोड पे आपको H2O सॉल्यूशन के अंदर आपको NaOH मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसके मैकेनिज्म को फटाफट से चेक करते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, इसके पीछे का यानी कि कोलबे प्रोसेस के पीछे का मैकेनिज्म चेक करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से उसको चेक करेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ यहां पर एनोड के केस में बता रहा हूं, कैथोड वाला तो बहुत आसान था जिसमें हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, उसमें तो कुछ था ही नहीं कि H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और H2 की फॉर्म में बाहर निकल रहा था, तो वो तो आसान था। एनोड के केस में चेक करिए, देखिए एनोड के केस में हो क्या रहा था कि एनोड में आपको पता लगा कि यहां पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो जा रहा था एनोड की तरफ, क्योंकि ये था नेगेटिव, ध्यान से उसको चेक करिएगा, ठीक है। सो ये था कार्बोक्सिलेट आयन जो कि एनोड की तरफ जा रहा था, तो यहां पर होगा कुछ यूं, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये तो हम जानते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, सबको पता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन है किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास टोटल अभी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर ये क्या करेगा, सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी दो यूनिट अगर मैं ले लूं, ध्यान से उसको चेक करेगा, दो यूनिट अगर मैं लूं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसी ही एक यूनिट और एक यूनिट और, टोटल यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और यही दो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा था, कैथोड पर, अभी क्लियर करता हूं उसको, ठीक है। सो यहां से हर एक यूनिट एक एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करेगी, तो किस पे चले गए आप, दो यूनिट आपको ये मिली, जरा चेक करो CH3CO और यहां पर ये ऑक्सीजन, अब इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 5, देखिए जरा ध्यान से, ये नेगेटिव साइन अब हट गया, क्लियर होता है, और यहां से क्योंकि इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यूनिट एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो दो यूनिट दो इलेक्ट्रॉन निकालेगी, दो इलेक्ट्रॉन बाहर और दो यूनिट ये तैयार हो गई, सबको नजर आ रहा है। अब यहां पर क्या होगा जरा उसको चेक करिएगा, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अब होगा कुछ यूं कि यहां पर रेडिकल तैयार हो गया, अब इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर पड़ा हुआ है, अब इसको है इलेक्ट्रॉन की जरूरत, अब ये तो है महारानी, इसको इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर करने के लिए तुरंत, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जरा चेक करो, इस केस में इस कार्बन को मजबूरन इस कार्बन से बने हुए बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, वो कहेगा भैया तू अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा,
मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेता हूं और ये अपने इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन या CO2 गैस बाहर हो जाएगी। ध्यान से इसको चेक करो, इस कार्बन की मजबूरी है कि ये बॉन्ड तोड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेड पाया है और इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा कौन, ये कार्बन पेयरिंग करने के लिए। तो यह बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। रेडिकल से रेडिकल ही तैयार होते हैं। अब जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन से बीच में क्या हो गया, बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो क्या बाहर निकल गया, एक तो CO2 गैस बाहर निकल गई, कितने निकलेगी, दो, याद है क्योंकि दो मॉलिक्यूल नहीं है, तो दो CO2 गैस बाहर निकल गई। इसी तरह से दो रेडिकल तैयार हो गए, किसके, यहां पर दो CH3 के रेडिकल्स तैयार हो गए। अब देखो जरा ध्यान से, हुए कि नहीं हुए, सबको समझ में आ गया, CH3 के दो रेडिकल्स तैयार हो गए। अब देखो यहां पर ये दो रेडिकल CH3 के तैयार हैं, एक दूसरे को ताक रहे हैं। अब आप खुद से सोचो कि इनका तो दोनों का ही ऑक्टेट पूरा नहीं है, ना इस कार्बन का ना उस कार्बन का, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में कंबाइन होकर एक दूसरे का ऑक्टेट पूरा करेंगे, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन शेयरेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दोनों एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और यहां पर इथेन की फॉर्मेशन होगी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, फाइनली यहां पर दो CO2 बाहर निकलते हैं और इथेन क्यों बनता है, एक ही, अब एक ही मोल यहां पर इथेन बना है जबकि CO2 के दो मोल निकले थे। अब आप सोचो कि यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं, ठीक है, ये अब हम चलते हैं कैथोड की तरफ, मैं आपको कैथोड के भी दर्शन करा देता हूं। कैथोड पे आपके दो H+ इंतजार कर रहे हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, यही दो इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे छूटे हैं, और वहां से H2 गैस का रिमूवल होगा। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं ये सब। अब फिर से सोचो, यहां से आपने दो यूनिट ली CH3CW-, तो यहां पर दो Na+ भी होंगे जो अंदर पड़े होंगे, इसी तरह से यहां पर दो OH- भी होंगे जो अंदर पड़े होंगे, ये दो Na+ और ये दो OH-, आप चेक करो यहां पर Na+ भी होगा, इस यूनिट के साथ में Na+ भी था, ये सॉल्ट है और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अगर H+ था तो OH- भी होता है, तो इसका मतलब यहां से दो Na+ सॉल्यूशन में है, दो OH- सॉल्यूशन में है, आपस में कंबाइन होके दो Na+ और दो OH- कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ट्वाइस ऑफ NaOH, ये सॉल्यूशन के अंदर का खेल है। सो दिस इज इन सॉल्यूशन, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, ध्यान से उसको चेक करो, बहुत आसान था। सबसे पहले यूनिट एनोड की तरफ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, इसमें कन्वर्ट होगी, दो यूनिट तो इसके दो बनेंगे, यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी, यहां से दो रेडिकल तैयार होंगे किसके, यहां पर CH3 के, और वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, इथेन। जो दो इलेक्ट्रॉन छूटे वो किसने गेन किए, H+ ने, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और अंदर क्या बचा, दो Na+ दो OH- कंबाइन होके NaOH। ये तीनों की चीज बता दी मैंने, एनोड पे क्या होएगा, कैथोड पे क्या होएगा और एक्चुअल में सॉल्यूशन के अंदर क्या होएगा। यहां पर हमारा डी कार्बोक्सिलेशन वाला भी प्रोसेस खत्म हो गया। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ले लिया। सो ये दोनों चीजें आपने कहां पढ़ी हुई है, 11th क्लास में, मैंने आपको वापस से रिवाइज करा दी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ चले हैं, वो है हेल वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की HVZ रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। टिल देन जितनी केमिकल रिएक्शन करवाई हैं उनका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेली चेक किया करो क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपके लायक होता है। और आप याद रखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अनअकैडमी खत्म कर चुका हूं, मेटलर्जी के लेक्चर्स आपको बहुत जल्द कल में ही मिल जाएंगे, मेटलर्जी शुरू कर दिया मैंने वहां पे। सो मैं बहुत तेजी से कोर्स कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहा हूं, बट क्या आपने अपनी कोशिशें तेज की हैं कि नहीं, चेक करिए। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।